नमस्ते एंड सत श्री अकाल। हाँ जी मित्रों, की हाल चाल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, कल के व्लॉग में आपने देखा कि मैं पहले लैपटॉप की लेमिनेशन करवाने गया था एंड किसी वजह से वो हो नहीं पाई। तो आज का काम यही है कि पहले मैं जाऊँगा लैपटॉप की लेमिनेशन करवाने, और दूसरा है कि मेरा दोस्त जो कल आया था हैरी, उसकी फुटवेयर की शॉप है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, मुझे कुछ शूज़ चाहिए वो भी वहाँ से लाने हैं एंड दो तीन और छोटे मोटे काम हैं, तो आज की वीडियो में वो करेंगे। एंड आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती ही रहेंगी एंड मुझे उम्मीद है आप पूरा सपोर्ट करोगे मेरे व्लॉग्स को। आइए चलते हैं, आइए वीडियो को करते हैं शुरू। जेंट्स के अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी वैरायटी है, चाहे वो लेडीज़ की हो, बच्चों की हो, बेली हो, जेंट्स के शूज़ हों, जुत्ती पंजाबी हो या लेदर के शूज़ हों, यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है। भाई हमारे शूज़ कहाँ पे हैं? अरे क्या बात है, ये कौन से हैं? ये आपको मिलेगा ब्रेक्सन में फॉर्मल जुत्ती कोट के अच्छा साथ पहनूं। हाँ, इसमें ये भी वैरायटी आती है, काफी चल रही है। ये देखो, इसके ऊपर लोगो लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, इंपोर्टेड जूती है। अच्छा, इंपोर्टेड जूती है। हां जी, एडवर की। ये देखो, इसका टैग देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ठीक है। सोल देखो, डबल हां, सोल तो इसका काफी है ना, काफी अच्छा है। और ये इसके अंदर कुशन लगा हुआ है, सॉफ्ट है। ओके ओके, बहुत अच्छी है, काफी ये इस टाइम पर काफी बिक रही है जी। ये रेट भी बता दो इसके। ये आपको मेरे पास मिलेगी 500 की। अच्छा, ये वाली 500 की, ये वाली। ओके ओके ओके, मार्केट प्राइस इसका 650 है। ओके, ये मेरे पास मिलेगी 620 रुपए की। ये 620 की है, इसका प्राइस मार्केट में 800 से लेके 1000 तक ये बिक रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो दोस्त होलसेल प्राइस में मिलेगा। ओके ओके, तो यार सच में शूज़ तो बहुत ही पसंद है, मैं सच में कंफ्यूज हो गया हूँ, अब मैं इनमें से कौन से वाला लूँ। मेरे ख्याल से मैं राइट वाला लूँगा, सच में मुझे राइट वाला बहुत पसंद आया। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वाला मैं लूँ पहला या दूसरे नंबर वाला। ये अगर आप भी ये शूज़ लेना चाहते हो तो ऐसी काफ़ी वैरायटी है। खैर, मैं इस वीडियो में तो आप कवर नहीं कर पाऊँगा, ना मैं उस पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप भी जेंट्स के शूज़ लेना चाहते हो, लेदर के या कुछ ऐसे, या पंजाबी जूती लेना चाहते हो, या कुछ भी जेंट्स या लेडीज़ के रिलेटेड आप फुटवेयर में लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन भी मंगाना चाहते हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं इनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा एंड जो भी रेट्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, ये आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो फाइनली मैंने आर्टिकल सिलेक्ट कर लिया है, मैं ये वाला मैंने सिलेक्ट किया है एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार आपको कैसा लग रहा है ये। पहले एक काम हो गया है, अब चलते हैं लैपटॉप का काम करने। लैपटॉप की भी लेमिनेशन करवानी है, उसका देखते हैं दो तीन दुकानें हैं कहाँ से करवाते हैं, तो मैं लेमिनेशन करवाता हूँ और मिलता हूँ आपको उसके बाद। जी नूडल अपना फिक्स है, जब भी मैं हैरी की शॉप पे आता हूँ, हैरी ये वाले नूडल्स मुझे खिलाता ही खिलाता है। भाई थैंक यू सो मच, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी एंड ये वाले मेरे फेवरेट हैं, इसमें मशरूम वगैरह सब कुछ डला है। हैरी के शॉप के पास एक बहुत ही बढ़िया आउटलेट है जहाँ पे बहुत स्वाद स्वाद चीजें मिलती हैं, उनमें से सबसे अच्छा मुझे, उनमें से मेरी फेवरेट है ये वाले चाउमिन। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन हैरी, अब मैं इसको करता हूँ एंजॉय। अब इसको खाओ आप, तो मैं जब तक आपके लिए चाय बनवा के लाता हूँ। ये देखो वीरका का दूध है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। भाई भाई जल्दी आना चाय बना के, अभी आया। ओके, तो आ गई है जी चाय, मैं करता हूँ चाय एंजॉय, आपसे मिलता हूँ चाय। ठीक है, थैंक यू चाय के लिए, बहुत ही अच्छी बना के लाए हो। अच्छा, तो पहले सबसे पहले ये बताओ कि आपको नूडल खा के कैसा लगा? अरे नूडल तो एक नंबर थे, मैं तो आगे वीडियो में भी बताया कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ मैं नूडल खाता हूँ और सिर्फ इन्हीं के मुझे टेस्टी लगते हैं, इनकी हर एक चीज ही बेस्ट है। हाँ ये तो है, फ्रेश चीज बनाते हैं और उसके साथ हमने चाय भी मंगवा ली है। वाह,
चाय भी बहुत अच्छी है, वो लड़का है वहाँ पर सामने वो चुनियों को कलर करता है। अच्छा। और वो चाय भी सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट और सबसे टेस्टी वही। हाँ, नहीं चाय तो बहुत सही बनाई है, मजा आ रहा है चाय पीने का। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसके बाद हम क्या खाएंगे बताओ? अरे नहीं, कोटा पूरा दोपहर तक। शाम का क्या सीन है? शाम का देखते हैं, राजा के पास जाएंगे। राजा अफगानी खाएंगे या तंदूरी खाएंगे? अफगानी भाई, तू ज्यादा अफगानी खाता है तो हम अफगानी ही लेंगे। कोई बात नहीं, आज फिर ऐसे करते हैं कि आज तेरी मर्जी के साथ। चल ठीक है, तंदूरी या पनीर टिक्का? दोनों मिक्स करके। दोनों मिक्स करके। पिछली बार खाया था, खाया नहीं गया दोनों। ये सामने बुरी तरह से, ये सामने पूरा जाम लगा पड़ा है। एक्चुअली क्या है कि आगे चौक पे सारा रास्ता बंद कर दिया गया है। चौक पे वो कुछ लोग चौक पे बैठ गए हैं, सारा जो भी वो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया है। कंफर्मेशन नहीं है कि क्यों किया गया, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि जो किसान आंदोलन में जो लड़के की रिसेंटली अभी डेथ हुई है उसका ये प्रोटेस्ट है। बाकी कंफर्म नहीं है कि वही रीज़न है कि कोई और रीज़न है। टाइम हो गया 6:30 और आप देख सकते हैं सामने हिमालयन बुद्धिस्ट मार्केट है। ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट बंद हो चुकी है, ये बहुत ही टाइम की यहाँ पे मार्केट है। यहाँ पे हर तरह के कपड़े, चाहे वो जेंट्स के हों, लेडीज़ के हों, बच्चों के हों, यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स हैं जहाँ से गर्म कपड़े विंटर्स के। इस मार्केट को तो बहुत ही टाइम हो गया है। यहाँ पे टोटल जितना आपको दिख रहा है ये सारा यहाँ पे प्रॉपर मार्केट लगी हुई थी, मोस्ट इनका सारा पैक हो चुका है। ये जो 5-7 शॉप्स रह गई हैं ये भी बंद हो जाएंगी। अगर आप अमृतसर में रहते हैं या फिर अमृतसर आ रहे हैं आजकल में, तो आप ये तो यहाँ से आप कपड़े ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े और बहुत ही कम रेट्स पे मिलते हैं यहाँ पे कपड़े। तो मैंने अभी बात की थी इनसे एंड ये बोल रहे हैं कि परसों लास्ट डे है, ऑलमोस्ट सबकी पैकिंग हो चुकी है, जो शॉप्स रह गई हैं ये बंद हो जाएंगी परसों तक एंड उसके नेक्स्ट ये सारा ये यहाँ से निकल जाएंगे। ये पिछले कई महीनों से यहाँ पे मार्केट लगी हुई है। आमतौर पर यहाँ पे ऐसी कोई मार्केट इतनी ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, लेकिन इस बार ये जो थी ये काफ़ी महीने चली थी, क्योंकि इसके कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और दूसरी बात है कि रेट्स भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन थे। लेकिन अगर आप अमृतसर के आसपास रहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये लास्ट इसका डे है परसों एंड उसके अगले दिन यहाँ से सारा पैकिंग हो जाएगी एंड यहाँ से ये मार्केट बंद हो जाएगी। जैसे आप वहाँ से बाहर आते हो यहाँ पे बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे हिमालयन बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आपको चाय मिल जाएगी, मोमोज मिल जाएंगे और भी काफ़ी आइटम्स हैं। आप यहाँ पे बैठ के आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी है, आप देख सकते हैं कुछ ये सेटअप है। बिल्कुल इसके बाहर हिमालयन बुद्धिस्ट मार्केट के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, बुद्धिस्ट मार्केट से बिल्कुल निकल के लेफ्ट साइड पे है ये एंड उसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं रूट साइड पे भी लोग बैठे हुए हैं, यही हैं बुद्धिस्ट मार्केट वाले ही। जिनका थोड़ा बहुत सामान रह गया है वो अब बाहर यहाँ पे रूट साइड भी बेच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे 2 दिन का इनके पास रह गया है, सिर्फ 2 दिन है एंड 2 दिन के बाद ये चले जाएंगे। इनका सामान वगैरह, जैकेट्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं, उन्होंने बाहर लगा लिया है ताकि वो भी सेल हो जाएं एंड कम रेट्स पे ये डिस्काउंटेड रेट्स पे यहाँ से दे रहे हैं। अगर आप भी आसपास इसके अमृतसर के रहते हैं, बुद्धिस्ट मार्केट आप आ सकते हैं, आज और कल की ऑप्शन है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से कम दाम पे कपड़े वगैरह लेके जा सकते हैं। रात के बज रहे हैं 8 और मैं आ चुका हूँ घर और आप भी सोच रहे होंगे कि बुद्धिस्ट मार्केट चले गए, शूज भी ले लिए, लेकिन जहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी लैपटॉप लैमिनेशन वो तो दिखाई नहीं। एक्चुअली हुआ क्या, मैं गया था लैपटॉप लैमिनेशन वाली मार्केट में, वहां पे शॉप्स तो काफी थी लेकिन एक ऐसी शॉप थी जो बहुत ही फेमस है लैपटॉप लैमिनेशन को लेके एंड वहां पे मैं गया एंड वो शॉप ही बंद थी। वैसे भी वहां पे काफी शॉप थी लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि कल भी मैं रैंडमली एक ऐसी शॉप पे चला गया था और आपको पता ही है वहां पे क्या हुआ था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। शायद मेरे लैपटॉप की किस्मत पे लैमिनेट होना ही नहीं लिखा। सब आने वाले 2-3 दिन तो लैपटॉप की लैमिनेशन हम नहीं करवाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पहले काम है पहले वो करते हैं, उसके बाद ये देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में।